इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि कोई भी अगर चाहे कि न्यायिक निर्णय को प्रभावित करें तो न्याय अपने हिसाब से काम करती है। न्यायिक निर्णय को हम लोग सराखों पे रखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज दिल्ली कोर्ट से जो है राहत मिल गया और आज राजद परिवार में काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि आज राजद कार्यालय में जो है जहां तेजस्वी यादव को एक तरफ कोर्ट के तरफ से बड़ी राहत मिली तो बिहार राजद प्रदेश कार्यालय में जो है जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे तमाम राजद के जो नेता हैं वो लड्डू जो है बांट कर जो है जश्न मना रहे हैं, काफ़ी लोगों में खुशी है। वहीं बिहार के डिप्टी सी एम तेजस्वी यादव को दिल्ली से बड़ी राहत मिली है और मिलने के बाद जो है RJD के प्रदेश कार्यालय में जो है पूरे तरह से जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि तमाम नेता जो है वो आज एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जो है खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस दौरान RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि राजद न्यायिक निर्णय का सम्मान शुरू से करती रही है, अगर कोई चाहे न्यायिक निर्णय का प्रभावित करे तो न्याय अपने हिसाब से काम करती है। शक्ति यादव ने कहा कि अगर दलों के चले तो और दल अपने हिसाब से करे तो विपक्ष के सारे लोग कहां होंगे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं जो शक्ति सिंह यादव हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, राजद के पखा पर प्रवक्ता हैं, लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं, सुनिए। पहले ही से इस बात को लेकर के कहते रही है कि राजद न्यायिक निर्णय का सम्मान शुरू से करती रही है। इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था इस बात का परिचायक है कि कोई भी अगर चाहे कि न्यायिक निर्णय को प्रभावित करें तो न्याय अपने हिसाब से काम करती है। न्यायिक निर्णय को हम लोग सराखों पे रखते हैं और एक बात मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर दलों की चले और दल अपने हिसाब से करे तो विपक्ष के सारे लोग कहां होंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए न्यायिक निर्णय का सम्मान, इसलिए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुई है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को न्यायालय ने माना है कि इस तरह की बातें जो कही गई है वो कहीं से अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए पूरे तौर पर हम न्यायिक निर्णय को सराखों पर रखते हुए और कानून का सम्मान करते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं, इस देश में अगर कानून न हो तो कई तरह की चीज़ें, कई पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता से अलग हैं, विरोध में हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिकल मैंडेटा का इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन कानून कानून होता है। कानून ही देश को महफूजियत प्रदान करती है और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। तो आपने सुना शक्ति यादव का क्या कुछ कहना है। आज पूरे राजद परिवार में जो है काफी जश्न का माहौल है। वो तमाम राजद के जो नेता हैं वो आज एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जो है जश्न मना रहे हैं। इस तरीके का अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। शक्ति यादव को सुना, शक्ति यादव का क्या कुछ कहना था और भी इस तरीके का तमाम अपडेट्स के हमारे साथ बने रहें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।